तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। काफी दिनों बाद आप सबके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं कि मदद से आप रोजाना 2000 3000 5000 10000 रुपए दोस्तों गारंटी के साथ कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऐप है, इस ऐप में लॉग इन कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐप है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस ऐप का नाम है अपस्टॉक। दोस्तों अपस्टॉक अभी अर्निंग करने का सबसे सुपर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई आपको अपने जेब से एक भी रुपए नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पे क्लिक के दोस्तों एक दिन आप पैसा कमा करके जाने वाले हो। अगर आप पैसा लगा करके यहाँ पे ट्रेड करके कमाना अगर चाहते दोस्तों ट्रेड करके आप कमा सकते हो, लेकिन मैं आपको पर्सनल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सुपर ऑफर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं कि एक रेफर करने के 700 रुपए दोस्तों हमें दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों कुछ चीजें रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास एक आधार कार्ड है दोस्तों, आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, और आपके पास एक पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है ताकि दोस्तों इस ऐप में साइन अप करते वक्त आपको काम है। क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि यहाँ पे KYC कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट होता है, डीमैट अकाउंट क्रिएट होता है, उसके बाद दोस्तों इस ऐप में आप लोग रेफर करके कमाई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको अपस्टॉक को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पे लॉगिन करने का जो प्रोसेस है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। क्योंकि दोस्तों मुझे यहां पर अकाउंट बनाने में, आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं दोस्तों, मुझे यहां पर लगभग 7 से 8 घंटा दोस्तों यहां पे लगे सिर्फ मेरा अकाउंट ओपन होने तक। क्योंकि दोस्तों मैं यहां पे कुछ गलतियां की थी अकाउंट क्रिएट करते टाइम, ताकि वो गलती आप ना करो। पहले मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपके सामने एप्लीकेशन तो प्रॉपर ओपन हो जाएगा जब इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जब दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, सेकंड में आएगा लॉग इन, और यहाँ पे दोस्तों थर्ड में आएगा ट्राई दिस ऐप। तो गाइस पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको ऑलरेडी दोस्तों बता चुका हूँ भाई मुझे यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने में लगभग 8 घंटा लगे थे। तो यहाँ पे मैं कुछ गलतियां किया था दोस्तों, ताकि वो गलती मैं आपको बताता हूँ, ताकि वो गलती आप बिल्कुल भी ना करो और आपका अकाउंट लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर ओपन हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डीमैट अकाउंट, जैसा कि हम लोग कोई अकाउंट जब ओपनिंग करते हैं जैसे कि बैंक में कहीं पे, वैसा ही दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस है अकाउंट क्रिएट करते टाइम। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और हाँ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो गलती के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों क्या करें। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट किया, अपना पैन कार्ड को वेरीफाइड किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लाइव फोटो मंगाया था, मैंने लाइव फोटो दिया, वो भी दोस्तों मेरा डन था। दोस्तों यहाँ पे मैंने गलती क्या करा था दोस्तों, सिग्नेचर पे। दोस्तों यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे वीडियो के स्क्रीन में देख सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे कुछ इस प्रकार के होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या गलती किया, जैसे कि मेरा नाम एम से स्टार्ट होता है, दोस्तों यहाँ पे मैं डिजिटल एम टाइप करके मैंने छोड़ दिया। तो दोस्तों मैं बार बार वेरीफाई किया तो यार वेरीफाई हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे दोस्तों मुझे कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बता रहा था। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे इसके बारे में जाना, उसके दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्राई किया, मेरा जो सिग्नेचर है यहाँ पे मिसिंग बता रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, सही से मैंने एक सिग्नेचर किया, पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिख डिजिटल दोस्तों मैं यहाँ पे सिग्नेचर किया, उसके बाद मेरा अकाउंट ओपन हुआ। लेकिन ओपन दोस्तों उस टाइम भी नहीं हुआ, लगभग 8 घंटा मुझे इंतजार कराया गया, उसके बाद दोस्तों मेरा अकाउंट फाइनली ओपन हुआ और मेरे ईमेल आईडी और मैसेज के माध्यम से मुझे अपना आईडी और पासवर्ड दोस्तों मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों मैं इस ऐप का लाभ ले सकता हूँ। तो देखो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जब आप लोग अकाउंट क्रिएट कीजिएगा सिग्नेचर आप लोग फुल टाइप के जगह दोस्तों जो लाइव फोटो लगेगा दोस्तों वो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग लाइट में जाकर के लीजिएगा, ताकि आपको जो फेस है वो क्लियर आ जाए, ताकि आपको अकाउंट ओपनिंग करने में इतना टाइम ना लगे और 1 से 2 घंटे में आपका अकाउंट ओपन हो जाए। तो बात आते है कि भाई हम लोग यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो सबसे पहले आएगा आपको मोबाइल नंबर टाइप करने का ऑप्शन। तो ध्यान रहे यहाँ पे आप लोग वही मोबाइल नंबर टाइप कीजिए जो कि आपके पास अवेलेबल है, और उस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक रहे, ताकि दोस्तों OTP लेने में आपको असुविधा ना हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर टाइप करके आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो दोस्तों ओके के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा
तो आपके रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर पे ओटीपी आएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरे सामने यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंटर ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि आप कुछ नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग SBI में या फिर कोई अदर ब्रांच में अकाउंट जब ओपनिंग हम लोग करते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है, वहाँ पे एक बॉक्स आता है नॉमिनी का। अगर आपका अगर कुछ अगर हो जाए तो आपका जो बैलेंस है वो कौन रिसीव करेगा, वहाँ पे नॉमिनी ऐड किया जाता है, ताकि अगर मेरा अगर कुछ अगर हो जाए तो वो नॉमिनी जो हम जिसको बनाए हैं वो मेरे अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल सके। तो यहाँ पे नॉमिनी का बोला जाता है। फिलहाल दोस्तों हम लोग को यहाँ पे लाख का तो कारोबार तो करना नहीं है, हमें रेफर करके पैसे कमाना है, क्योंकि दोस्तों एक रेफर करने के 700 रुपए हमें दिए जाते हैं। तो अभी दोस्तों लूट चले तो हम लोग फटाफट लूटते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे नॉमिनी को ऐड करना अगर चाहते हो तो उसका भी आधार कार्ड रिक्वायरमेंट होता है, तो तभी आपका नॉमिनी ऐड होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करा। नो के ऑप्शन पे क्लिक करने के आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो एक स्टेप आएगा, साइन अप विद आधार OTP। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई आपका वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक रहे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको साइन अप विद आधार OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों कुछ फॉर्मेट, यहाँ पे दोस्तों एक PDF आता है 4 पेज का, वो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा साइन नाउ। आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन इन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही आप साइनिंग नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू साइनिंग। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों आप लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिए ताकि आपको अकाउंट ओपनिंग करने में कोई असुविधा ना हो, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी दोस्तों लगभग 8 से 9 घंटा दोस्तों मैं वेट किया था, तब मेरा अकाउंट ओपनिंग हुआ था। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल है, तो आप लोग उस रिक्वेस्ट से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखे, जहाँ आपको समझ में ना आए वीडियो को पॉज कीजिए, वहां से आप लोग वीडियो को फिर से देखना शुरू कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू साइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू साइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने फिर से एक नया फॉर्मेट आएगा दोस्तों यहां पे आधार कार्ड से रिलेटेड। तो आपको यहां पर क्या करना है, नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है साइन इन का, तो आपको यहां पे एक बार क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग यहां पर अपना क्लिक कर देते हैं। आप लोग यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां पे एक ऑप्शन आता है सिग्नेचर का। स्टार्टिंग में सिग्नेचर का मैं डिस्कशन कर चुका हूं, तो मैं यहां पे डिस्कस नहीं करना चाहता। तो आपको यहां पर क्या करना है, साइन इन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन नाउ के ऑप्शन पे जो ही क्लिक कीजिएगा तो अब आती है मेन बात पे, फाइनल स्टेप के बारे में। सबसे पहले आपको यहां पर क्या, ऊपर एक चेक बॉक्स है, आपको यहां पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, आधार कार्ड का जो वर्चुअल नंबर होता है और आधार नंबर होता है दोस्तों वो टाइप करना होता है। अगर आपके पास वर्चुअल नंबर अगर नहीं है तो जब आप लोग नया आधार कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पे एक नया वर्चुअल नंबर ऐड होता है। अगर आपके पास वर्चुअल नंबर नहीं है तो डजंट मैटर दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आधार कार्ड में जो नंबर है दोस्तों आधार कार्ड का नंबर टाइप करके सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही दोस्तों सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर कॉन्टेक्ट नंबर पे OTP आएगा, वो OTP को टाइप करके वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आपका प्रॉपर काम नहीं हुआ है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ काम करना है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों मैं आप A to Z दोस्तों मैं एक्सप्लेन ताकि समझने में आसानी और हम लोग अब स्टॉक में आसानी से अकाउंट को क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो ही आप लोग ओके ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा। तो आपको लगभग यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। जो ही वेट कीजिएगा तो आपके सामने एक नया फॉर्मेट आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अकाउंट ओपन होने में 30 से 40 मिनट लगेगा दोस्तों। उसके बाद आपके रजिस्टर कॉन्टेक्ट नंबर पे एक OTP आएगा, उसमें आपका यूजर ID लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक पासवर्ड लिखा हुआ रहेगा। वो पासवर्ड टेम्पररी होता है दोस्तों, वो पासवर्ड को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों मेरा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है, लेकिन दोस्तों लॉग इन करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपके रजिस्टर कॉन्टेक्ट नंबर पे ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा, उसकी मदद से आप लोग अब स्टॉक पे लॉग इन कर सकते हो। तो गाइस मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आईडी और पासवर्ड आ चुका है। तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पर अब स्टॉक को फिर से ओपन करते हैं। ओपन जब कीजिएगा तो आपके सामने आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो ध्यान पूर्वक आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फटाफट अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड टाइप कर देते हैं।
तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप कर चुका है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, आप लोग के सामने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जो ही साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहां पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, लॉग इन करने के लिए जब आप डेट ऑफ बर्थ टाइप किए थे पैन कार्ड वेरीफाइड करने के लिए, वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। जो ही दोस्तों मैंने डेट ऑफ बर्थ अपना टाइप किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है दोस्तों सक्सेसफुली क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। तो बात आती है कि भाई इस ऐप से हम लोग रेफर करके पैसे कैसे कमाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पैसा ऐड करना होगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर ऑफर मिलते हैं कि भाई हम लोग जितना रेफर करते हैं उतना रेफर करने के हमें यहाँ पर एक रेफर करने के भाई साहब 400 रुपए से लेकर 700 रुपए तक एक रेफर करने के मिलते हैं। टाइम टू टाइम दोस्तों यहाँ पर रेफर अमाउंट अपडेट होते रहते हैं और उसका डिटेल दोस्तों में आप हमारे चैनल पर दोस्तों आप रेगुलर दोस्तों आपको अपडेट मिलेगा कि भाई रेफर में कितना अमाउंट अपग्रेड हुआ, उस अमाउंट को कैसे क्लेम करना, सब कुछ दोस्तों आपको हमारे चैनल पे मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को यहाँ पर क्लिक करके ऑल के ऊपर सेट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे रेगुलर वीडियो आपको डेली का डेली मिलती रहे और आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से पैसे कमा सको। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि इस ऐप से हम लोग प्रत्येक रेफर के कैसे कमाए। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रेफर एंड अर्न। तो हम लोगों का यहाँ पे काम है भाई रेफर एंड अर्न का, क्योंकि यहाँ पे रेफर और अर्न में दोस्तों हमें काफी अमाउंट मिलते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही आप लोग रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी जो दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह के लगभग दोस्तों 9 बजे, तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है कि प्रत्येक रेफर के 400 रुपए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप लोग वीडियो को देखिएगा यहाँ पे रेफर अमाउंट दोस्तों 100% यहाँ पे इंक्रीज हो गया होगा, 700-800-1000 रुपए दोस्तों यहाँ पे रेफर अमाउंट का आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो रेफर कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉपी का यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना, कॉपी के ऑप्शन पे आपको ये लिंक को कॉपी करना है। ये लिंक को कॉपी करने का अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितना आप लोग यहाँ पे शेयर कीजिएगा दोस्तों उतना दोस्तों अमाउंट यहाँ पे आप कमाइएगा। दोस्तों यहाँ पे लोग यहाँ पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए दोस्तों यहाँ पे अपस्टॉक के माध्यम से दोस्तों कमा चुके हैं। लेकिन आप लोग एक चीज का ध्यान है, जिसको भी आप लोग इस ऐप को रेफर कीजिएगा उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। जिसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसको आप लोग इस ऐप को शेयर कीजिए और इंस्टेंट दोस्तों आप लोग 400 रुपए से लेकर 700 रुपए तक एक रेफर के कमाए और कमाए हुए पैसे को आप दोस्तों इजीली एक क्लिक में अपने अकाउंट में ले सकते हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में अपस्टॉक के बारे में इतना ही, तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अपस्टॉक से रिलेटेड दोस्तों जो भी अपडेट्स अब आएंगे दोस्तों 100% दोस्तों आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेगी और आप लोग हमारी वीडियोस को देख करके अपने मोबाइल से रेफर के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल से आप आसानी से 1000-2000-3000 रुपए यानी दोस्तों अपना जो पॉकेट खर्च हुआ बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। तो जल्द से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन आप लोगों को ध्यान रहे उसको आप लोग रेफर कीजिएगा जिसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड हो, और दोस्तों प्रत्येक रेफर के 400 रुपए से लेकर 700 रुपए तक जल्द से जल्द लूटना शुरू कीजिए।